जीवन को सुखी बनाने के लिए सही आहार लें, भोजन बार बार नहीं करें। सही आहार नहीं लेने से ही शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है। सही तरीके से भोजन करने पर ही ब्रेन विकसित होता है। जीवन को सुखी बनाने के लिए भोजन के नियमों को जानना जरूरी है। यह बात नए दृष्टिकोण वाले शिविर के दूसरे दिन अनाज मंडी में माँ गार्गी ने कही। प्रातः 6:15 बजे खुले गगन के तले शहर भर के करीब 2000 से अधिक साधक शिविर स्थल पर पहुंचे। माँ गार्गी ने बताया कि जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है उसे दुनिया प्रेम करती है। उन्होंने सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक नींद का महत्व बताया। साधकों को नाभि झटका व्यायाम के 7 चरणों के प्रयोग कराए। इस प्रयोगों के नियमित करने से शरीर स्वस्थ एवं सुंदर तथा शक्तिशाली बनता है। शिविर के मीडिया प्रभारी प्रभुराम मालवीय ने बताया कि शिविर में साधकों को यह भी बताया गया कि शरीर में कैसा भोजन जाना चाहिए, भोजन में कितने रस हो, कौन सी सब्जियां कौन से मौसम में खाएं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। आप सभी को प्रणाम। यहाँ पर आज कृषि उपज मंडी में बहुत सुंदर सा कार्यक्रम हो रहा है, तो उसके बारे में आपके सामने नित्यानंद जी हमारे साथ में और उनके सभी मित्र हैं, तो उनके द्वारा आप सभी लोगों तक पहुंचाया जाएगा कि क्या मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है इस शिविर में। आप सभी को प्रणाम। पिछले हम 1 महीने से इस कृषि उपज मंडी में नया दृष्टिकोण शिविर जो कि 23 से 28 फरवरी तक होने वाला था उसकी डेमो कैंपेनिंग कर रहे थे, और इन 6 दिनों में हमारे शरीर के जो नियम है, सही आहार, सही व्यायाम और सही नींद, उसको कैसे हम अपने साथ आत्मसात कर सके और जीवन को शक्तिशाली और आनंदमय बना सके, उसी के सूत्र और प्रयोग हैं यहाँ पे। पहले 3 दिन माँ गार्गी जी हमें भोजन और स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं, और उसके बाद भोजन और स्वास्थ्य जब हमारा ठीक होगा तो हमारा मन खिलेगा। उस मन को खिलाने के लिए हमारे बीच में पूज्य परमाले जी 26 से 28 फरवरी तक आएंगे और हमारे मन के जो नियम है उसको समझाएंगे। तो नित्यानंद जी, आप बताइए कि ये जो शिविर है तो केवल ये जो जिनकी उम्र बढ़ चुकी है 40-50, किस रेंज के इसमें एज ग्रुप वाले व्यक्ति यहाँ पर आते हैं, पधारते हैं, किसके लिए कैंप रखा गया है, कौन से एज ग्रुप के लिए? इसमें एज का कोई बंधन नहीं है। 5 साल से लगा के 90 साल का व्यक्ति भी इस शिविर को ज्वाइन करके अपनी मोक्ष की यात्रा को प्राप्त कर सकता है। ये बेसिकली जो शिविर है ये अपने को जानने का, अपने को पहचानने का और अपना जो स्वभाव है मनुष्य का, स्व आनंद में रहना, अपने स्वभाव में रहना और मोक्ष को प्राप्त करना, उसी का ये शिविर है। तो इसमें बच्चे कौन सी उम्र के बच्चे यहाँ पर आते हैं, मतलब जो शिविर है उसमें? ये शिविर में यूथ विशेषकर जो कि अपने बहुत ऊर्जा से लबालब रहता है, इसके पास करने के लिए बहुत कुछ रहता है, उसको सही डायरेक्शन देना है ताकि वो जीवन में अपने साधनों के साथ साथ अपना खुद का विकास भी कर सके और एक अच्छी यात्रा जीवन को शक्तिशाली बनाने के लिए कर सके। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे इस तरफ आते ही नहीं है ऐसे शिविरों में, तो यहाँ पर ऐसा क्या उसको स्पेशल मिलेगा कि यहाँ पर वो आए इस शिविर में, इसको क्या एक यहाँ पर मिलता है कि वो इतनी तेज़ी से यहाँ पर सभी यूथ अट्रैक्ट, आपने जैसे कहा कि होते हैं और बहुत सारे आ भी रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ बताई जा रही है जो यूथ को अट्रैक्ट कर रही है? यहाँ पर प्रवचन नहीं हो रहे, यहाँ सीधे सीधे प्रयोग करवाए जा रहे हैं और प्रयोग के माध्यम से उसके अंदर जो सोई शक्तियाँ हैं उनको जगाया जा रहा है, और सोई शक्ति तभी जगती है जब व्यक्ति अपने साथ काम करता है। धन्यवाद आप सभी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।